सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूरज निकरे विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ क्रॉस हैचिंग की, कि हम किस तरीके से क्रॉस हैचिंग करते हैं, कहाँ डार्क इफेक्ट लाना रहता है, कहाँ लाइट इफेक्ट लाते हैं, और उसको कैसे लाते हैं, और कैसे हम उसको ड्रॉइंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम क्रॉस हैचिंग किस तरीके से करते हैं। और गाइस, मैं आपको ड्रॉइंग में भी बताऊंगा कि हम कैसे यूज करते हैं क्रॉस हैचिंग को। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्रॉस हैचिंग में केवल लाइंस का रोल नहीं रहता है, हमें यहाँ पे डार्कनेस और लाइटनेस के साथ प्ले करना पड़ता है। इसमें हमें देखना पड़ता है कि कहाँ कितनी लाइट है, कहाँ डार्कनेस है। अगर आप इस तरह की लाइन बना रहे हैं, इस तरह की लाइन बना रहे हैं, ये मेरी, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि क्रॉस हैचिंग में हमें स्ट्रेंथ दिखाना रहता है, अपनी स्ट्रेंथ, कि आपकी कैसी लाइन जा रही है। इसमें हमें डार्कनेस और लाइटनेस के साथ प्ले करना पड़ता है। केवल लाइंस का रोल नहीं रहता है इसमें। और जैसे आपको लाइटनेस से डार्कनेस पे जाना है, तो पहले मैं लाइट सेट करूँगा। यहाँ लाइट मैंने लाइंस चला दी है। अब इसके ऊपर फिर से क्रॉस हैचिंग थोड़ा डार्क करूँगा, जहाँ मेरे को डार्क चाहिए, डार्क वैल्यू चाहिए। फिर उसके ऊपर अगर यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे उससे थोड़ा डार्क है, फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा और डार्क चाहिए, तो इसके ऊपर फिर से मैं क्रॉस हैचिंग करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके ऊपर यहाँ पे और क्रॉस हैचिंग करूँगा। तो आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डार्क है और यहाँ पे ज़्यादा लाइट है। तो यही मेन रोल रहता है कि हम डार्कनेस और लाइटनेस के साथ इसमें क्रॉस हैचिंग में हम प्ले करते हैं। ज़्यादा वैल्यू इसी की रहती है और लाइंस की भी वैल्यू रहती है, कि आप किस तरह की लाइंस चला रहे हैं, इस तरह की लाइंस चला रहे हैं, या आप ऐसी लाइंस चल रही है कि आपकी यहाँ बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा गाइस। और मेन बात, स्ट्रेंथ जब भी दिखती है जब आपका हैंड मूव होता है, फ्रीली फ्लो होता है, तो उसी के बेस पे आपकी स्ट्रेंथ दिखती है। यहाँ पे मेरा हैंड कैसे फ्रीली मूव हो रहा है, कैसे फ्रीली फ्लो हो रहा है, उसके बेस पे स्ट्रेंथ देखी जाती है, स्ट्रेंथ का फोर्स। ये देखिए गाइस, और गाइस इसमें ये बात नहीं है कि आपको जैसे कल ड्राइंग बनाना है और आप आज पूरे दिन आज आप मतलब क्रॉस हैचिंग करते रह रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं रहता गाइस। अगर आपको क्रॉस हैचिंग में जाना है, मतलब क्रॉस हैचिंग करना है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। जैसे आप कॉलेज स्कूल में बैठे, तो आप ऐसे ऐसे लाइन बना सकते हैं, यहाँ कहीं भी कॉपी में लाइन बना सकते हैं, खाली बैठे तो लाइन बना सकते हैं आप, तो आपकी डेली प्रैक्टिस में आ जाता है। और इसमें कितना आपने लाइंस के ऊपर एक्सरसाइज किया है, और आपको कितना समझ में आता है लाइंस, और कैसे आपने एक्सरसाइज करके समझा है कि लाइंस कैसे होती है, और इस तरीके से गाइस, जैसे मेरी लाइन इधर बिल्कुल एक डायरेक्शन पे जा रही है, एक सीधी लाइन पे जा रही है, ये ऐसे। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ यहाँ बड़ी हो गई, फिर यहाँ छोटी हो गई, फिर एकदम से बड़ी हो गई, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली रूटीन में अगर आपकी ये रहता है, ऐसे आप खाली बैठे तो आप ऐसे ऐसे चला सकते हैं पेंसिल ऐसे। ये देखिए गाइस, पूरी सीधी लाइन आ रही है। और अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, तो आप जैसे कि ये आप ये डिब्बी रख लीजिए, कोई भी आपकी जो चीज़ हो, आपके सामने जो चीज़ रखी है उसको सामने रख लीजिए, ऐसे देख लीजिए कि कहाँ पे लाइट आ रही है, कहाँ पे डार्क आ रहा है। जैसे यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ डार्क आ रहा है, तो वही आपको लाइंस को इम्प्लीमेंट करना है कि कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है। जैसे कि यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कर दिया मैंने, यहाँ पे इक्वल वैल्यू है, और फिर यहाँ पे डार्क कर दिया मैंने, यहाँ डार्क कर दिया, तो यहाँ ज़्यादा डार्क है, यहाँ उससे थोड़ा, और फिर यहाँ मेरे को और डार्क चाहिए, तो उसके ऊपर फिर से चलाऊँगा मैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ डार्क है, यहाँ लाइट है। वैसे गाइस, आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली नहीं तो कम से कम मतलब जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा फायदे में है, ज़्यादा फायदा है ये। सो गाइस, इस क्रॉस हैचिंग के बेस में मैं आपको एक ड्राइंग बना के समझाता हूँ कि हमें पोर्ट्रेट या कोई सी भी चीज़ में कैसे हम
इस क्रॉस हैचिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम इसमें लाते हैं। सो गाइस देखते हैं ड्राइंग में। सो गाइस यहाँ पे मैं अभी आउटलाइन बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और कुछ जगह मैंने पेंसिल मेजरमेंट का भी यूज़ किया है। यहाँ मैं पहले लाइट क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं डार्क क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ। और मेन बात होती है क्रॉस हैचिंग की, इसमें लेयर बाय लेयर जाते हैं। हम एकदम से डार्क वैल्यू नहीं ऐड करते हैं, ऐड करते हैं फिर उसके ऊपर से हम डार्क वैल्यू ऐड करते हैं। ड्राइंग को सेट करने के लिए ताकि आप देख सकते हैं, मैं भी यहाँ पे लाइट टू डार्क सेट कर रहा हूँ। गाइस ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को करना लाइक, और इस चैनल को करना सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। तो गाइस मैं वही मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइट टू डार्क सेट जा रहा हूँ, और अपनी पेंसिल को फ्रीली हैंड चला रहा हूँ स्ट्रेंथ देते हुए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैं आईब्रो में लाइन चला रहा हूँ, स्ट्रोक चला रहा हूँ, क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आईब्रो या ऐसी चीज़ में भी मैं क्रॉस हैचिंग का यूज़ करूँ। तो गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे क्रॉस हैचिंग यूज़ करना है, और कहाँ पे नहीं करना है, और कहाँ पे फ्री हैंड पेंसिल आपकी चलाना है। सो, मैं इस वीडियो में मैकेनिकल पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बार बार शॉर्पनर ना करना पड़े, और ये पॉइंटेड रहती है तो मुझे हैचिंग या क्रॉस हैचिंग करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये दूर से तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी पास से तो बहुत प्यारे लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पे लाइट इफेक्ट डाला है और कहाँ पे डार्क इफेक्ट लाया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।